हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन और बचाव दल मुस्तैद है। नेटवर्क 10 संवाददाता ने पीएसी के एडिशनल प्लाटून कमांडर मनेंद्र कुमार से बातचीत की है। इस दौरान मनेंद्र कुमार गंगा में डूबने वाले लोगों के रेस्क्यू के इंतजामों की उन्होंने जानकारी साझा की है। आइए आपको सुनवाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ मेला चल रहा है, जहां पर अब इस समय 40वीं वाहिनी आपदा प्रबंधन की टीम के साथ यहां पर मौजूद हूं। हम बोट के माध्यम से जो है रेस्क्यू करने वाली टीम के साथ मौजूद हैं। किस तरीके से जो कांवड़ी हैं वो गंगा में बह जाते हैं, उनका जो रेस्क्यू किया जाता है उस बोट में हम मौजूद हैं। हमारे साथ बोट के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो यहाँ पर जो ये कार्य कर रहे हैं, कितना सराहनीय कार्य है, लोगों का जीवन बचाने का कार्य यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। जैसे ही कोई कावड़िया या फिर कोई अन्य लोग यहाँ पर गंगा में बहते हुए दिखाई देते हैं, बोट के माध्यम से यहाँ पर जो पहुँचते हैं और उनको अपनी बोट के माध्यम से बचाने का काम करते हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके का सराहनीय काम ये लोग कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडिशनल प्लाटून कमांडर मनेंद्र कुमार है। सर, आप जो बचाने का काम कर रहे हैं, कितना सराहनीय काम है। कांवड़ मेला चल रहा है, एक लगातार यहाँ पर डूबने की घटनाएं भी देखी जाती थी, लेकिन आपके द्वारा जब से यहाँ पर ड्यूटी पे आए हैं कितने लोगों को बचाया गया? हमारे द्वारा लगभग 6 से 7 लोगों का रेस्क्यू अब तक सफलतापूर्वक किया गया है, और जिसमें बहुत अच्छे रेस्क्यू किए गए हैं, जो जिनमें लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। देखिए, 40वीं वाहिनी पीएसी की तरफ से आप आते हैं, लगातार कहाँ कहाँ ड्यूटी रहती है आपकी, और कितनी यहाँ पर पूरे मेला क्षेत्र में कितने लोगों की ड्यूटी है और कितने क्षेत्र में आपकी बोट ये कार्य कर रही है? हमारे यहाँ लगभग एक प्लाटून है जिसको 3 जगह पे डिप्यूट किया गया है। इसमें एक आपका हो गया तिरछा पुल, जहाँ पे बोट से दिन रात ड्यूटी रहती है। इसके साथ साथ एक गाँव घाट और ओम पुल पे भी हमारा दिन दिन के समय में ड्यूटी रहती है। सराहनीय कदम यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस, 40वीं वाहिनी पीएसी और आर्मी की बीएजी टीम यहाँ पर बोटों के माध्यम से लगातार कार्य कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ राजकुमार पाल, नेटवर्क 10 हरिद्वार।